जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे संविधान के जननी या जनक कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिस संविधान पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र टिका हुआ है, उसकी पहली प्रति उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में छापी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का केवल जनक माना जाता है, ना केवल जनक माना जाता है, बल्कि जननी भी माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के प्रमुख थे। उनकी देख रेख में संविधान को तैयार किया गया था, लेकिन इसकी मूल प्रति, जो इंग्लिश की मूल प्रति है, इसकी मूल प्रति को जिस शख्स ने अपने हाथों से बेहद खूबसूरत, बिना किसी गलती के लिखा, उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा था। प्रेम बिहारी राय ज्यादा एक भारतीय सुलेखक थे। प्रेम बिहारी नारायण का खानदानी पेशा कैलीग्राफी था। कैलीग्राफी मतलब लिखना, लिखने का कला, जो लिखते हैं हम अच्छी सुनहरी स्पष्ट और सुंदर लिखावट। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म दिसंबर 1901 में एक कांस्य सक्सेना परिवार में हुआ था। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जब वह छोटे थे, तभी उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन भरण पोषण उनके दादाजी श्री राम प्रसाद ने किया, जो उनके दादा थे, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही मृत्यु हो गया था, तो उनके दादा जो थे उन्होंने उनको पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, जो कि राम प्रसाद खुद एक अंग्रेजी और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने प्रेम बिहारी को भारतीय सुलेख की कला सिखाई। आगे चलकर प्रेम बिहारी दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने गए, जहां उन्हें अपने सुलेख कौशल को निखारना जारी रखा। जब 1940 के दशक के अंत में भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को मौलिक दस्तावेज की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। जो अपना भारत का संविधान था, उसको लिखने के लिए प्रथम प्रति को उन्होंने प्रस्ताव रखा था। यह पूछे जाने पर कि संविधान को हाथ से लिखने के लिए वह कितना शुल्क लेंगे, क्योंकि उनका खानदानी पेशा था कैलीग्राफिस्ट का जो खानदानी पेशा था, तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि प्रेम बिहारी नारायण जी, आप संसद का जो प्रति है उसको आप लिखिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि आप इसको लिखने के लिए कितना शुल्क लेंगे। प्रेम बिहारी को बड़ा सहज हुआ। प्रेम बिहारी ने बहुत ही स्नेह भरे और प्रेम भरे जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कहा, एक पैसा भी नहीं,
प्रेम बिहारी ने कहा कि एक पैसा भी नहीं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन में काफी खुश हूं, लेकिन मेरी एक अभिलाषा है, मेरी एक आपत्ति है, मेरा एक स्नेह है कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक अभिलाषा जाहिर किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, मेरी एक अभिलाषा है कि मैं आपको ये संविधान जो है मुफ्त में लिख दूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपना नाम हर पन्ने, मैं अपना नाम संविधान के हर पन्ने पे लिखूंगा। और साथ साथ उन्होंने एक और शर्त रखा, दूसरा शर्त उन्होंने क्या रखा कि आखिरी पन्ने पर मैं अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। और उनका दूसरा जो था वो बोले सब था, अभिलाषा था, इच्छा था कि मैं अपने नाम के साथ साथ अपने दादाजी को भी नाम लिखूंगा, क्योंकि उनको दादा ने लालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। प्रेम बिहारी नारायण भारतीय संविधान के सुलेखक थे। सारा संविधान हाथ से बेहद सुंदर, बिना किसी गलती से, बिना किसी गलती के लिखा। इस तथ्य के बावजूद कि पूरे संविधान को लिखने में लंबा समय लगा, इसमें असंगति का एक भी निशान नहीं और बेहद खूबसूरत प्रवाहपूर्व इटालिक शैली में लिखा गया। सुलेख उत्कृष्टता से सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। संविधान लिखने के लिए हाथ से बने हुए कागज पुणे से मंगवाया गया। प्रेम बिहारी साहब ने संविधान लिखने के लिए 303 नीब फोल्डर्स कलम, क्योंकि पहले सिलाई का कलम हम यूज करते थे जिसमें नीब लगता था, सिलाई डलता था, तो जब ये इन्होंने संविधान लिखने लगे तो इन्होंने 303 नीब होल्डर कलम लिखने में उपयोग किया और 254 बोतल स्याही का इस्तेमाल किया। और इन्होंने 254 बोतल स्याही का इस्तेमाल किया। संविधान के लिखित दस्तावेज के पन्नों पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध विद्वान नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी स्वर्ण कला से सजाया। भारतीय संविधान के प्रस्ताव पेज को श्री नंदलाल बोस के शिष्य आचार्य श्री राम मनोहर सिन्हा ने स्वर्ण कला से सजाया। संविधान का मूल हिंदी संस्करण को सुलेखन बसंत कृष्ण बैद ने किया था। हमारा जो संविधान है इसका दो प्रति है, एक तो अंग्रेजी है प्रति, जो अंग्रेजी प्रति है उसका प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा, और दूसरा जो है इसका हिंदी प्रति, दूसरा जो हिंदी प्रति है इसका सुलेखन बसंत कृष्ण बैद ने किया। इस पांडुलिपि में, जो हमारा संविधान का मूल कॉपी है, इस पांडुलिपि में 233 पन्ने जिनका वजन 13 किलोग्राम। संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है जिसपे सोने की कारीगरी है, जो हमारा ये नंदलाल बोस और उनके टीम, जो शिष्य श्री नंदलाल बोस के शिष्य आचार्य श्री राम मनोहर सिन्हा ने अपनी स्वर्ण कला से सजाया। संविधान का मतलब है कि किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। यह लोगों को नियमों के दायरे में रखकर कार्य करने की स्वतंत्रता देता है, पर जो अपना संविधान का प्रति है, इस प्रति को अपने संसद भवन में नाइट्रोजन के दो चैम्बर में रखी है।
ये दोनों संविधान की दोनों मूल प्रतियां। जो नाइट्रोजन की चैम्बर में बॉक्स है जिसमें 40% 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है और 1% से कम उसमें ऑक्सीजन रहता है, ताकि इसमें कोई तरह का सीलन ना जाए, किसी तरह का पेज खराब ना हो जाए, इसीलिए इसको नाइट्रोजन के चैम्बर में रखा गया ताकि सुरक्षित रहे अपना संविधान। इससे निपटने के लिए तो बॉक्स में ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। ऑक्सीजन से क्या है कि अपना खराब हो सकता है संविधान, तो इसीलिए इस तरह से नाइट्रोजन के चैम्बर बनाए गए हैं अपना संसद भवन में। और एक दोनों संविधान प्रति को जो हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा और दूसरा बसंत कृष्ण बैद ने लिखी जो हिंदी प्रति है, ये दोनों प्रतियों को नाइट्रोजन के जो चैम्बर है उसमें रखते हैं ताकि सुरक्षित रहे, किस तरह का उसमें और दिक्कत ना आए। तो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।